वेलकम बैक टू मिस्टर शेर ब्लॉग। और इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम आ गई गाड़ी के मिरर में, जो साइड डोर मिरर होता है उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है। जब ये काफी लूज हो गया है, ये काफी फ्री चल रहा है, जब भी हम एक ब्रेकिंग वगैरह या फिर कहीं पे ब्रेकर या गड्ढे वगैरह हम निकलते हैं तो एकदम ये नीचे हो जाता है, तो इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये खराब नहीं हुआ है कुछ भी, मेरे को भी लग रहा था चेंज करना पड़ेगा और बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि बेर नीचे ही गिर रहा था तो आपको दोबारा से एडजस्ट करना पड़ता था, तो ये मैनुअली होता है। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करने के लिए, आप इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक पेचकस लगाएंगे, तो इसको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से खोलेंगे। तो इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से पेचकस की मदद से इधर से हम इसे अनलॉक कर लेंगे और ये हाथ में आ जाए। तो ये वाला जो मिरर है इसके नीचे एक बोल्ट है वो कि एक लूज हो जाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम करता है, तो उसको टाइट करना है। तो मैं टाइट करके दिखा देता हूँ फिर ये किस तरीके से काम करता है। बहुत फ्री हो गया, हद से ज़्यादा फ्री हो गया, तो ये तो बिल्कुल ख़राब लग रहा था, पर ये जेन्युइन प्रोडक्ट है तो इसलिए मैं इसको देख लेता हूँ। और उस नट को आप टाइट करने के लिए एक इसी नंबर का एक टी भी ले, टी में सॉकेट लगा सकते हैं, जो कि इसकी मदद से मैं उसको टाइट करूँगा क्योंकि उसमें चाबी नहीं जाएगी, जिसको हम रिंच बोलते हैं, तो यही जाएगी एक। चलिए हम इसको टाइट करते हैं। तो इस तरीके का एक नट होता है जो कि ये काफ़ी लूज़ हो जाता है, तो ये इस तरीके से काम करता है। बाकी साइड वाला पैनल खोलने के बाद में इस तरीके का दिख रहा है, तो इसको हम टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद में ये जितना लूज़ हो जाएगा ये मैं दिखा देता हूँ करके, ये हाथ से ही है, ये देखिए किस तरीके से लूज़ चल रहा है। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है जो जिसकी मदद से ये मूव होता है इधर उधर, तो इसको हम फुल्ली टाइट कर देंगे और फिर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। फुल्ली टाइट करने के बाद में कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, बहुत हिल नहीं रहा है, ये थोड़ा काफ़ी टाइट कर दिया है। और बाकी ये सॉकेट इसकी दोनों पॉइंट इसमें यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर देंगे इसके ऊपर एडजस्ट करके, बाकी मैं पैक कर देता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ अंदर से बैठ कर। तो इस तरीके से यहाँ पर रख के और पॉइंट से पॉइंट मिला के इसको यहाँ पर पुश कर देंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आपको लगेगा, कुछ इस तरीके से आपका ये फिक्स हो जाएगा और एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो अब आप देखिए बहुत मुश्किल से ही नीचे होगा, अभी ये काफी अच्छा हो गया है, अब ये फुल्ली टाइट हो चुका है और ये आपका चीज जो थी आपने खुद रिपेयर कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अंदर कुछ नहीं होता, एक नट होता है उसको टाइट करना होता है और बाकी कुछ भी नहीं, सीसा टूट जाता है तो हमको इसी तरीके से चेंज भी कर लेते हैं खोल के नट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना अच्छी लगे तो।